स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल स्टफ यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस which is passing through the center of gravity यानी कि centroid of the section। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी स्टेप होगी इस टी सेक्शन का सेंट्रॉयड फाइंड करना। तो सबसे पहले दोस्तों हम सेंट्रॉयड फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सेंट्रॉयड फाइंड करने के लिए हमें x बार एंड y बार डिस्टेंस लगने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन सॉरी आंसर को आसान बनाने के लिए यहाँ पर मैं देखिए एक एक्सिस बनाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वाई वाई एक्सिस बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इस वाई वाई एक्सिस के अबाउट हमारा जो टी सेक्शन है वो दो इक्वल पार्ट्स में बट चुका है, यानी कि ये जो सेक्शन हुआ दोस्तों वो हो गया हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेक्शन सिमेट्रिकल बन रहे हैं। डेफिनेटली हमारा जो भी सेंट्रोइड होने वाला है वो एग्जैक्टली इस वाई वाई एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ दोस्तों इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होने वाला है वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये सेंट्रोइड यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें अभी सिर्फ वाई बार डिस्टेंस निकालना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। दोस्तों आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, आपको उसमें बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है एंड इसके ऊपर ही सेंट्रोइड क्यों लाई करता है। तो हमें सिर्फ दोस्तों अभी वाई बार फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं दो रेक्टेंगल्स बनाता हूँ दोस्तों। ये ऊपर वाला हमारा रेक्टेंगल वन हो गया और ये नीचे वाला रेक्टेंगल नंबर टू हो गया। तो हमें आसानी से सब पैरामीटर्स मिल जाएंगे। तो रेक्टेंगल वन के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल वन सबसे पहले दोस्तों हम एरिया फाइंड करेंगे, इसे मैं ए वन बोलता हूँ। तो इसका जो एरिया होगा दोस्तों रेक्टेंगल वन का वो होगा 150 mm/50 mm, राइट। सो 150 × 50, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 × 5 = 75 mm², राइट। देन अभी दोस्तों हमें इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस, अभी हम देखिए दोस्तों हम रेफरेंस ले रहे हैं बॉटम का, तो हमें जो सारे सेंट्रोइडल डिस्टेंस होंगे होने वाले वो हम बॉटम से फाइंड करेंगे, राइट। तो इसका मैं अभी वाई वन फाइंड करूंगा। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका सेंट्रोइड हमेशा सेंटर पर लाई करता है, यानी कि यहाँ पर, राइट। तो इसका जो ये अगर सेंटर में है दोस्तों तो यहाँ से लेकर के ये वाला डिस्टेंस यानी कि ये होगा 50/2, राइट, क्योंकि टोटल 50 है। तो नीचे से लेकर सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस 50/2 होगा और इसमें से दोस्तों हमें ये 150 mm ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम फ्रॉम बॉटम फाइंड कर रहे हैं सेंट्रोइड, राइट। तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया दोस्तों, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 50/2 हो गया, 50/2 प्लस इसमें हमें ये 150 mm ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमें मिल जाएगा दोस्तों 25 + 150 = 175 mm, राइट। तो रेक्टेंगल वन के लिए तो सारे पैरामीटर्स फाइंड कर लिए, अभी हमें रेक्टेंगल टू के लिए फाइंड करते हैं। तो रेक्टेंगल टू का जो एरिया होगा वो होगा A2, इसका एरिया भी दोस्तों देखिए 150 mm × 50 mm, सो ये भी 7500 mm² होने वाला है, राइट। नाउ अभी Y2, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला भी हमारा रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रोइड भी सेंटर में लाई करने वाला है, राइट। तो ये जो डिस्टेंस होगा दोस्तों फ्रॉम बॉटम ये वाला डिस्टेंस वो होगा 150 mm/2, क्योंकि टोटल हाइट है रेक्टेंगल की 150, सो 150/2 विल बी द सेंट्रल डिस्टेंस। सो ये मिल गया हमें 75 mm, राइट। नाउ अभी दोस्तों हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए सेंट्रल फाइंड करने का, तो वो फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास y बार इज इक्वल टू a1y1 + a2y2 / a1 + a2, राइट। तो हमारे पास a1 की वैल्यू है दोस्तों 7500, सो 7500 इंटू Y1 की वैल्यू हमारे पास दोस्तों 175 + a2 7500 इंटू y2 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 75 mm, सो 75 / a1 + a2, सो 7500 + 7500। तो इसे मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ। तो दोस्तों हमें यहाँ पर y बार की वैल्यू में मिल गई दोस्तों 125 mm। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ये जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया है वो है फ्रॉम बॉटम। तो यहाँ पर मैं इसे दिखा भी देता हूँ फिगर में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा बॉटम, यहाँ से हमने इसे फाइंड किया था, दिस टू सेंट्रोइड यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट है दोस्तों पूरा, यानी कि यहाँ पर
ये दोस्तों हमें x एक्सिस मिल गया जिसका डिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया था 125 mm, राइट। तो दोस्तों अगर ये 125 है तो मैं फ्रॉम टॉप भी निकाल लेता हूँ, राइट। अभी ये टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 200 mm, 200 - 125, सो ये हमें डिस्टेंस मिल गया दोस्तों 75 mm, राइट। तो हमें सेंट्रल डिस्टेंस तो यहाँ पर मिल गए हैं और हमें दोनों x एक्सिस एंड y एक्सिस भी यहाँ पर मिल चुके हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। उसके पहले दोस्तों मैं यहाँ पर ये जो हमारे दो रेक्टेंगल्स है इनके भी सेंट्रल डिस्टेंस यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ, तो हमें आंसर फाइंड करने में आसानी होगी। ये जो हमने y2 था वो हमारे पास 75 mm था, यानी कि ये जो दूसरा रेक्टेंगल है इसका सेंट्रोइड डिस्टेंस जो था वो 75 mm। इन द सेम मैनर दोस्तों ये जो हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड था इसका डिस्टेंस भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये हमें आगे लगने वाला है इसके लिए मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ दोस्तों। ये हमें मिल गया था 175 mm, राइट। तो अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं दोस्तों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले हम अबाउट x एक्सिस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मैं ix लिखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो रेक्टेंगल है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा ix1 + ix2, राइट। और इस इक्वेशन पे इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, राइट। सबसे पहले हम ix1 फाइंड करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए ix1 यानी कि इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस x एक्सिस, राइट। अभी यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, इस रेक्टेंगल 1 का सेंट्रोइड यहाँ पर है, यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल x एक्सिस बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं x1 एक्सिस बोलता हूँ, राइट। अभी आप देखोगे ये x1 एक्सिस इस x एक्सिस को पैरेलल है, राइट। तो अभी यहाँ पर हमें पैरेलल एक्सिस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिखते हैं ig1 + a1h1 square, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी यहाँ पर ig1 क्या होता है दोस्तों, ig1 इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल नंबर 1 अबाउट इट्स लोकल x1 एक्सिस। लोकल क्यों कहा मैंने दोस्तों, क्योंकि ये इस सेंट्रोइड में से पास हो रहा है और ये जो हमारा रेड पेन में से जो मैंने निकाला है वो हो गया हमारा ग्लोबल x एक्सिस, राइट। तो हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है BD³/12 अबाउट x एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, प्लस एरिया होगा इसका, बाकी फॉर्मूला एज इट इज। नाउ अभी यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास 150 mm इंटू डेप्थ क्या है दोस्तों हमारे पास 50 mm, सो 50 3 डिवाइडेड बाय 12, राइट। प्लस इसका जो एरिया होगा दोस्तों वो देखिए 150 mm मल्टीप्लाई बाय 50 mm। नाउ अभी ये h1 क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये x1 एक्सिस और ये x एक्सिस, इसके बीच जो डिस्टेंस है दोस्तों, यानी कि ये वाला ये डिस्टेंस हो गया दोस्तों हमारा h1। अभी हम इसे कैसे फाइंड करेंगे देखिए, यहाँ पर इसलिए मैंने ये सेंट्रोइड डिस्टेंसेस यहाँ पर दिखाए हुए हैं क्योंकि हमें ये h1 फाइंड करना है। देखिए ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास है फ्रॉम बॉटम 175 mm, राइट। उसमें से अगर दोस्तों हम ये 125 mm माइनस कर लेंगे तो हमें इजीली h1 मिल जाएगा, राइट, क्योंकि ये पूरा 175 mm है और हमें सिर्फ इतना माइनस करना है, तो इतना हमारे पास डिस्टेंस है 125 mm, तो हमें यहाँ पर इजीली ये डिस्टेंस मिल जाएगा दोस्तों 175 - 125 2। अभी हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं 175 - 125, तो हमें दोस्तों ये वैल्यू मिल जाती है 50। यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ h1 = 50, ठीक है। तो अभी हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ix1 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ रही है 20.31 × 10⁶ mm⁴, राइट। नाउ अभी हमें फाइंड करना है दोस्तों ix2, तो अभी हम ix2 फाइंड करेंगे। सो ix2, अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा सेकंड रेक्टेंगल है, इसका लोकल एक्सिस हम बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इसका सेंट्रोइड है, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होने वाला है, इसे हम x2 बोलेंगे जैसा हमने x1 निकाला था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये लोकल x2 एक्सिस और ये x एक्सिस पैरेलल है, तो यहाँ पर भी हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा।
सो एज पर पैरेलेक्सिस थ्योरम यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे Ig2 प्लस A2H2 स्क्वायर। Ig2 का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, Bd³/12 प्लस A2। ना अभी यहाँ पर देखिए ये H2 क्या होगा दोस्तों, देखिए ये x2 एक्सिस और ये x6 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस होने वाला है हमारा H2। अभी ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए दोस्तों ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 125 mm, यहाँ पर देखिए उसमें से अगर ये हम 75 mm माइनस कर लेंगे तो हमें H2 मिल जाएगा। आप फिगर में ध्यान से देखिए, 125 mm माइनस दिस 75 mm, तो हमें ये H2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं यहाँ पर 125 माइनस 75, यहाँ पर हमें H2 की वैल्यू मिल गई दोस्तों 50 mm, राइट। यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल इनकरेक्ट है फिगर, ठीक है, बट कैलकुलेशन हमने करेक्ट किया, तो यहाँ पर हमें H2 की वैल्यू मिल गई है 50 स्क्वायर। अभी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी सेकंड रेक्टेंगल की जो विड्थ है दोस्तों वो है 50 mm, सो 50 × डेप्थ है हमारे पास टोटल 150 mm, सो 150 √3/12 प्लस इसका एरिया होगा दोस्तों 150 mm मल्टीप्लाई बाय 50 mm, सो 150 mm मल्टीप्लाई बाय 50 mm इंटू 50 स्क्वायर। तो इसे भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू दोस्तों हमें मिल चुकी है 32.81 × 10⁶ mm⁴, राइट। तो यहां पर हम ये दोनों वैल्यूज Ix62 और ये Ix61 इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा टोटल Ix6 = Ix61 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 20.31 × 10⁶ प्लस दिस Ix62 32.81 × 10⁶। तो दोस्तों हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 53.12 × 10⁶। आपको दोस्तों यूनिट्स हमेशा ध्यान से देने हैं mm⁴, क्योंकि आपके यूनिट्स के मार्क्स कट हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने टोटल Ix फाइंड कर लिया 53.12 × 10⁶। अभी अबाउट हमने एक्सिस एक्सिस फाइंड कर लिया है, अभी दोस्तों हमें अबाउट वाई एक्सिस फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, जो दोनों हमारे रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल नंबर 1 रेक्टेंगल नंबर 2, इनके जो सेंट्रोइड्स है ये वाला और ये वाला, वो एग्जैक्टली इस वाई एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें कोई पैरेलेक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं करना है, हमें सिंपली Db³/12 जो कि रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट वाई एक्सिस, उसका यूज करके हम इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अभी हमें फाइंड करना है Iyy इज इक्वल टू दो रेक्टेंगल से, इसके लिए Iyy1 प्लस Iyy2, राइट। तो यहाँ पर हमें सिंपली Db³/12 ये फॉर्मूला अप्लाई करना है दोनों रेक्टेंगल्स के लिए, तो हमें इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए दोस्तों जो डेप्थ है वो है 50 mm, 50 × ब्रेथ जो है दोस्तों इसकी 150 mm है, सो 150 mm√3/12 प्लस सेकंड रेक्टेंगल की जो डेप्थ है दोस्तों वो है 150 mm इंटू उसकी जो विड्थ है दोस्तों यानी कि ब्रेथ वो है 50 mm, सो 50√3/12। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है 15.62 × 10⁶ mm⁴। तो दोस्तों हमें इजीली Iyy यहाँ पर मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें पैरेलेक्सिस थ्योरम को अप्लाई नहीं करना था। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, अगर आपको क्वेश्चंस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।